इंडिया अंग्रेज़ी में बड़ा विकसित नज़र आता है, विकसित नज़र आता है नेताओं के भाषणों से। टीवी चैनल्स पे जब आप इंडिया के बारे में सुनते हैं तो चमचमाती सड़कें और गगनचुंबी इमारतें आपकी जहनों में तरोताज़ा हो जाते हैं, उनकी तस्वीरें आपकी आंखों के सामने एक-एक आ जाती हैं। लेकिन भारत असल में ज़मीनी स्तर पर कितना विकसित हो पाया है, ये आप नेताओं के भाषणों से नहीं, टीवी चैनल्स के इन एंकरों से नहीं, बल्कि इस ज़मीनी स्तर से समझ सकते हैं। भारत कितना विकसित है, इसी भारत की एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ, जहाँ भारत में चार दीवारी तो है लेकिन छत नहीं है, घर है लेकिन आज भी वही घर जो आज से 20-30 साल पहले जो मिट्टी के बने हुए होते थे। सरकारें भले ही लाख वादे कर लें कि हमने उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बनवा के दे दिए, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश का खिताब मिल जाए, उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदेश का खिताब मिल जाए और वहाँ के मुख्यमंत्री को कर्मयोगी कहा जाने लगे, विकास पुरुष कहा जाने लगे, लेकिन कितना विकास हुआ है इस सरकार के अंदर, इस हिंदुस्तान की ग्राउंड की हकीकत, ज़मीनी हकीकत मैं आपको दिखाता हूँ। और दिखाता हूँ एक ऐसा मकान कि जो आज भी अपने बदहाली के आंसू बहा रहा है। और क्या बदहाली है, आप इस मकान की बदहाली देखिएगा कि दर्जनों लोगों का परिवार इस एक खस्ता हाल, एक घर मत इसको आप कहिए, एक इमारत आप इसको नहीं कहिए बल्कि आप इसको कहिए खंडर, इस खंडर के अंदर ये दर्जनों लोगों का परिवार जीने के लिए मजबूर हो रहा है। आप देखेंगे ये यहाँ पर एक खंडर है जिसमें लोग रहते हैं और इसके अंदर ये दरवाज़ा है, दरवाजे में आप सोच रहे हैं कोई कीमती चीज़ें इस कमरे के अंदर हैं तो इस बात से आप 100% गलत हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई कीमती खजाना नहीं, कोई टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन नहीं है, बल्कि इसके अंदर क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनका कमरा है, ये उत्तर प्रदेश की असली हकीकत है। और इस हकीकत के अंदर अगर आप सोच रहे हैं कि जो लाइट है ये बिजली की लाइट मेरे चेहरे पर पड़ रही है तो आप 200% गलत हैं। ये बिजली की लाइट नहीं बल्कि ये एक नेचुरल लाइट है, एक सूरज की लाइट है जो टूटी हुई छत के ऊपर से इस हवा, इस कमरे के अंदर यहाँ आपको दिखाई देगी। सरकार तो दावा करती है कि हमने उत्तर प्रदेश में एक एक परिवार को घर बना के दे दिए हैं, कितना दावा था ये, आपका घर तो आज भी बोसीदा। हमारा तो बड़ा ही नहीं है, बरसात में गिरा था अब तक तो, कोई ना कोई देखने के लिए, ना कोई किसी ने कहा कुछ भी। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एप्लीकेशन नहीं दिया था घर बनाने के लिए? दिया था पिछली प्रधानी में दिया था, कहा था कि बढ़ने का, अब तक तो आया नहीं है, कह रहे थे कि तुम्हारे पास हुए बनेंगे, अब तक तो कोई नहीं आया, ना कोई देखने के लिए आया, ना कोई प्रधान आया, ना कोई ऐसा आया, कोई भी 4-5 महीनों से गिरा है, कोई भी कोई अधिकारी वगैरह आपके पास आया कि? उन्होंने कहा था इस घर में ईंट लगी हुई है बढ़ने का नहीं है, प्रधान ने मना कर दिया था के बढ़ने का नहीं, घर बनना हुआ तुम्हारा, तो बस फिर हमने कहा ही नहीं किसी कुछ भी। तो मतलब घर बनाने के लिए, सरकारी लाभ लेने के लिए पहले घर गिराना पड़ेगा? ना, घर गिराना पड़ेगा, कच्चा दिखाना पड़ेगा, ईंट ना हो एक भी घर में, ये कहा था। तो ये जिशान है जिनका ये घर है और घर की हालत मैंने आपको दिखाई है, दावे आप खुद सुनिएगा टीवी पर, चैनलों पर क्या दावे सरकारों के रहते हैं, नेताओं के रहते हैं। मेरा काम तो ज़मीनी हकीकत दिखाने का है, आपका काम भले ही नेताओं के दावे सुनने का हो सकता है। ये वो घर है जिसके अंदर की हालत आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप एक आदिकाल में चले गए हैं, आज से 20-30 साल पहले की आप उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर थी वो फिर आपसे आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और आप देख सकते हैं ये भी घर है जो मिट्टी से बना हुआ है और किस तरह से ये लोग इसमें रह रहे हैं, ये एक किसी चुनौती से कम नहीं है।